Good morning, students. You all are welcome to Gyanvithya online classes. Today I teach you the chapter 5 of your MD. Every drop counts. What is your chapter name? Every drop counts. So this chapter is based on water. You all are know what is water? Yes, water is a liquid thing, and we all are need water in our daily life. Without water, our life is impossible. Our life is impossible. Yes. So every drop counts. Every drop counts is your chapter's name. So when the well is dry, we know the worth of water. जब हम वाटर को यूज करते हैं हमें उसका मूल्य पता चलता है. नहीं, हम ऐसे ही उसको बहुत सारा पानी खर्च करते हैं, यूज करते हैं, टेप को खोल के ओपन करके चले जाते हैं, उस टाइम हमको पता नहीं चलता. जब पानी खत्म हो जाता है घर में, टैंक में या कुएं में, तब पता चलता है कि वाटर का कितना इम्पोर्टेंस है, वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है. सो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर. स्टेट इन द ग्रीप ऑफ ए सीवियर ड्रॉट, नो रेनफॉल, पर्च अर्थ ऑल राउंड. सो पर्च मीन्स वॉट? ड्राई. पर्च मीन ड्राई एंड ग्रीप मीन्स होल्ड. सो स्टेट एक राज्य क्या हुआ था? एक मुट्ठी में था. किसका मुट्ठी में था? ड्रॉट की मुट्ठी में. ड्रॉट मीन्स वॉट? ए लॉन्ग पीरियड वेयर देयर इज नो रेन. अकाल पड़ जाना. अकाल पड़ता है क्योंकि पानी के बिना. तो ऐसे ही एक स्टेट में एक बार अकाल पड़ गया था. सो देयर इज नो रेनफॉल. देयर इज नो रेनफॉल ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज टोटली पॉर्च्ड. पॉर्च मीन्स ड्राइड और ड्राई. सो एट सिटी प्राइड स्कूल इन पुणे द टैप्स हैड रन ड्राई. सो देयर इज ए स्कूल दैट्स नेम इज सिटी प्राइड स्कूल. व्हिच स्कूल? सिटी प्राइड स्कूल एंड दैट इज सिचुएटेड इन वेयर? दैट इज सिचुएटेड इन पुणे सिटी. यस. सो इन दैट स्कूल देयर इज नो टैप्स विथ वाटर. द टैप्स हैड रन ड्राई. देयर वाज नो वाटर. इवन टू मॉप एंड फ्लॉस. मॉप मीन वॉश एंड फ्लॉस मीन्स ऑल्सो वॉश. इन स्कूल वी जस्ट वॉश आवर हैंड थ्रू द वाटर. यस. There is no water. There was no water in that school. Do wash or mop or floss. Leave alone. Water the plants. Plants ke liye bhi udhar pani nahi tha. Yes. So the beautiful school garden had dried up. The school was facing a bad water shortage due to severe drought in the state of Maharashtra. So the Pune is belongs to the state Maharashtra. So the school garden also dried up. The school garden of city pride school also dried up. Dry. Then the staff and student decided to tackle the problem head on rather than wait for the solution. Then the staff and the student. Then the staff and student. Staff means the teachers and the peers, all are and students. They tackle the problem. They handle the problem and they found a solution. What solution they found? The teachers discuss possible ways to conserve water and save the greenery with the school. The environment committee had a simple but brilliant idea. Yes, so उन लोग क्या किए? वाटर को कैसे कंजर्व करके, सुरक्षित करके उन लोग वो स्कूल में कैसे ग्रीनरी ला सकते हैं. मीन्स पेड़ पौधे प्लांट कैसे हरा भरा दिखे, उसके लिए एक मीटिंग बनाए और एक आइडिया सोचे. व्हाट इज दैट आइडिया? At a meeting, the teachers pointed out the most of the students had some water in their bottle. When they left the school, they threw the water. So, आप लोग भी ऐसे करते हो कि जब स्कूल आते हो पानी भर के लाते हो बोतल, और जब जाते टाइम क्या करते हो? जो पानी बचा होता है ऐसे बॉस के विंडो से या जहां भी ऐसे हो करके उसको पॉर कर देते हो, उसको वेस्ट कर देते हो. यस. तो उसी को लोग सोचे, अगर वो उसको वेस्ट नहीं करके एक बकेट में उसको अगर स्टोर किया जाए, उसको अगर सेव किया जाए, कंजर्व किया जाए, तो कैसा होगा? देन सम एम्प्टी बकेट्स वेयर प्लेस्ड एट द वेरियस पॉइंट्स इन द स्कूल टू कलेक्ट वाटर. इन ऑल देयर वेयर 12 बकेट्स नियर द स्टेयरकेसेस गेट्स ऑफ द बिल्डिंग. सो क्या हुआ उसके बाद? कितना एम्प्टी बॉकेट्स क्या हुआ? स्टेयरकेस मीन्स स्टेयर के नीचे
सामने बाल्टी लोग उन लोग रख दिए। क्यों रख दिए? उसमें जो बच्चे जो थ्रो कर रहे थे लेफ्ट ओवर पानी उसको उधर पोर करेंगे, उसको उधर डालेंगे। इसके लिए उन लोग बकेट्स लोग रखे। देन देयर वर 12 बकेट्स नियर द स्टेयरकेस एंड गेट्स ऑफ द बिल्डिंग। एवरी आफ्टरनून देयर वर क्यूज ऑफ हैप्पी चाइल्ड पोरिंग देयर लेफ्ट ओवर वाटर एंड डोनेटिंग टू द वाटर बैंक। द कलेक्टेड वाटर वॉज यूज फॉर वाटरिंग प्लांट एंड क्लेम। सो विच वाटर डोनेट फॉर द हैप्पी चिल्ड्रेन दैट इज कॉल्ड वाटर बैंक। तो उन लोग जो वाटर डाल रहे थे बकेट में उसको उन लोग वाटर बैंक के नाम में उसको नाम दिए थे। ओके, सो द कलेक्टेड वाटर, द कलेक्टेड वाटर, व्हाट इज द यूज ऑफ द कलेक्टेड वाटर? देन दे यूज टू द कलेक्टेड वाटर टू वाटरिंग प्लांट। वाटरिंग प्लांट, प्लांट को वाटर देने के लिए यूज करते थे, क्लीनिंग करने के लिए यूज करते थे। यस, सो लोग वाटर द कलेक्टेड वाटर, व्हाट द कलेक्टेड वाटर दे यूज टू क्लीनिंग एंड वाटरिंग दिस प्लांट्स। देन द वाटर बैंक ब्रॉट द स्कूल गार्ड स्कूल ग्राउंड टू लाइव। विद इन ए फ्यू डेज इट टर्न लॉस ग्रीन। द किचन गार्डन प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो रिवाइव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइव? स्टार्टेड अगेन। सो जब हम लोग पानी दिए कहाँ पे, प्लांट में जब वाटरिंग किए, जो प्लांट क्या हुआ, ग्रीन होके खिल गया। देन रिवाइव हुआ मतलब और एक बार वो स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? प्लांट अच्छे से ग्रीन होके उगना, वहां पे फ्लावर फ्रूट्स होना स्टार्ट हुआ। देन द किचन गार्डन प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो रिवाइव। सो किचन गार्डन प्रोजेक्ट मीन्स स्कूल में एक गार्डन रहता है जहाँ की किचन में जो यूज होता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वहां वो लगाया जाता है और उगाया जाता है। ओके, सो वो भी धीरे 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 रिवाइव हुआ, स्टार्ट हुआ। देन द स्टूडेंट्स नाउ ग्रो टमाटोस, लेटस फिंगर, स्पिनच एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स। सो दे ग्रो वर दे ग्रो द वेजिटेबल्स। व्हाट वेजिटेबल्स आर? टमाटोस, लेटस फिंगर, स्पिनच एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स ऑल्सो दे ग्रो। देन द प्रोजेक्ट टू सेव वाटर डज नॉट एंड एट द स्कूल गेट्स। चिल्ड्रन हैव लर्न मेनी वेज टू सेव वाटर इन द स्कूल एट होम। दे आर ट्रूली वाटर स्मार्ट नाउ। द चिल्ड्रन पेरेंट्स ऑल्सो हैप्पी टू सी द डिफरेंसेस और सी द डिफरेंट एटीट्यूड इन दैट इन दो स्टूडेंट्स। सो धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोग बस वाटर सेव सब चीज उन लोग सेव करने लगे। उनको एक अच्छा वाला उनको हैबिट हो गया कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए या सेव करने के लिए। इसको देख के उनके पेरेंट्स भी हैप्पी हो गए। द पेरेंट्स ऑल्सो हैप्पी टू सी दे आर चिल्ड्रेन चेंज हैबिट, यस, और चेंज एटीट्यूड। देन हार्डली कंसर्न अबाउट द वेस्टेज ऑफ वाटर अर्लियर, द चिल्ड्रन नाउ रियलाइज दैट दे मस्ट सेव दिस प्रीसियस रिसोर्स। सो वाटर इज ए प्रीसियस रिसोर्स, यस आर नो? सो We should also just conserve water, not waste water. So the school and its children have shown the truly ever drop counts. So every drop counts means हमको एक एक बूंदा का, एक एक पानी के बूंदा का हिसाब रखना चाहिए और ऐसे हिसाब से हमको खर्च करना चाहिए। ऐसे नहीं कि टैप खोलो वो बहता चले जाए, ठीक है? हमको जितना चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए। सो द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी इज वी शुड यूज वाटर एंड वी शुड यूज वाटर लिमिटेडली। वी शुड यूज वाटर लिमिटेडली एंड रख सकते हैं कि नहीं, रूफ के ऊपर
ऊपर एक टैंक बना के हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो बारिश का पानी हो या तुम्हारे घर में और ज्यादा जो पानी बह जा रहा है उसको रख के तुम प्लांट्स में उसको भी दे सकते हो। जो आप क्लॉथ जो वॉश कर रहे हो उसका भी जो पानी रहता है उसको भी आप दे सकते हो। यस, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड यूज द वाटर लिमिटेड एंड कंजर्व इट। सो वाटर इज नॉट, वाटर इज प्रीसियस थिंग, वाटर इज ए प्रीसियस थिंग, वी मस्ट स्टॉप वेस्टेज एंड सेव ईच ड्रॉप। ऑल ऑफ अस नीड टू डू आवर बिट टू सेव वाटर। तो हम सबको, सो वी शुड जस्ट व्हाट, वी शुड कंजर्व द वाटर, वी शुड सेव द वाटर एट मेनी काइंड्स एंड मेनी डिफरेंट फॉर्मूला। देन यू जस्ट ओपन योर बुक एक्सरसाइज, योर एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर, यू जस्ट ओपन पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। यस, सो लेट्स वी डिस्कस समथिंग। व्हाट प्रॉब्लम डिड द स्कूल फेस, व्हाट प्रॉब्लम डिड द स्कूल फेस, द स्कूल फेस्ड वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। व्हिच प्रॉब्लम द स्कूल फेस, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम दे फेस। व्हाट डिड द स्कूल डू टू सेव वाटर, वो सेव करने के लिए पानी को उन लोग क्या किए, दे व्हाट डिड द स्कूल डू टू सेव वाटर, वो बाल्टी में बोर करके पानी को कंजर्व किए। यस, सो द स्कूल कंजर्व द वाटर इन सम बॉकेट्स और इन 12 बॉकेट्स। यस, शुड वी स्टार्ट सेविंग वाटर ओनली व्हेन देयर इज शॉर्टेज, नो, हमको जहां शॉर्टेज है वहां बस सेव करना चाहिए, नहीं, नो, वी डोंट स्टार्ट सेविंग वाटर ओनली व्हेन देयर इज शॉर्टेज, वी सेविंग वाटर एवरीवेयर। व्हाट डू यू डू विद द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल, यहाँ पे आपको करना है कि तुम्हारे वाटर बॉटल में जो बच जाता है पानी स्कूल से जाते वक्त उसको क्या करते हो, फेंकते हो या कुछ प्लांट में उसको देते हो कि क्या करते हो, या एनिमल्स को देते हो, वो आपको यहाँ लिखना है। देन टिक टिक करना है आपको वाटर, वाटर को सेव करने के लिए आपको कौन कौन सा काम करना चाहिए, सो टिक करना है। आई टर्न ऑफ द टैप व्हेन आई ब्रश माय टीथ, दिस इज करेक्ट, बी नंबर 1 इज करेक्ट। व्हेन वी ब्रश आवर टीथ वी जस्ट स्टॉप द टैप, टर्न ऑफ द टैप। आई लव टू शावर फॉर एन आवर एवरी डे, नो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। तुमको एक घंटा तक नहाना चाहिए क्या, हमको 5-10 मिनट में अगर हो जा रहा है बातें तो हम एक घंटा तक क्यों करें, सो दिस इज नॉट ए गुड थिंग, दिस इज नॉट ए गुड हैबिट, सो वी डोंट फूड राइट, वी जस्ट लीव दैट प्लेस। यस, आई यूज द वाटर लेफ्ट इन माई बॉटल टू वाटर प्लांट्स, इट इज ए गुड हैबिट। आपका पानी जो बच रहा है आप उसको प्लांट को वाटर देने में उसको हेल्प कर रहे हो, यूज कर रहे हो। देन आई यूज ए होस पाइप टू वॉश माई साइकिल एवरी डे, होस पाइप मतलब छोटा वाला, इतना पतला वाला जो रहता है, तो साइकिल धोने के लिए मैं वो इसको यूज करता हूँ। देन योर 4-5, देन एट पार्टीज आई ड्रिंक ए लिटिल वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल एंड थ्रो द रेस्ट अवे, नो दिस इज रॉन्ग, यस दिस इज रॉन्ग। Then 5 number, at parties I drink a little water from plastic bottles and throw the rest away. Party में क्या करता हूँ बोला है, छोटा बोटल लाता हूँ प्लास्टिक का, पीता हूँ और जो बाकी बचता है उसको फेंक देता हूँ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द 1, 3 and 4 द थ्री एक्टिविटीज इज राइट फॉर सेव वाटर। Then choose the correct answer. In a drought there is too much water, just enough water, hardly any water or plenty of water. Hardly any water. The B number is correct. The B number is correct. Then City Pride School has taught us that every drop counts, little by little we waste a lot. Each of us can do something or all of it. Every drop counts. This is the right answer. 2A is the right answer. Yes? Then which of these can save water? A long sword, a leaking pipe, turning of the
tap while brushing teeth or collecting rain water. What is the same water? Collecting rain water. The D number is the answer. Yes. Then the 4 number, if a tap lets 1 drop of water drip every minute, how many drops are wasted in a day? If a tap let 1 drop of water drip every minute, 1 drop in every minute. So how many minutes in an hour? 60 minutes. So in a tap lets 1 drop of water drip every minute, how many drops are wasted in a day? Yes. So in one minute, one drop. So in 60 minutes, there are 60 drops, sorry. In 1 minute, there are 1 drop. So there are 60 minutes, there are 60 drops of water. So in one day, how many hours? How hours are there? 24 hours. How many hours? 24 hours. So 24 hour into 60 is equal to what? So 24 hour into 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. So 24 hour into 60 is equal to 1440 minutes. If there is 1 minute in 1 drop, so 1440 minutes is equal to 1440. Drops. So the answer is this B number. B number is the answer. Then this is what, collecting rainwater is a good way to save precious water. Draw lines and color the picture to see how rainwater can be collected from the roof of a house. तो ये दिया है collect कैसे हो रहा है, इसको आपको color करना है और उसको अच्छे से आपको जुड़ा के drawing बनाना है. This is a drawing. Yes. This is a fun thing to do. So the chapter is complete. Every drop count is complete. So what we learn from this chapter? We learn from this chapter, we must use the chapter limitedly, and we should conserve and save. Conserve or save the water for our better future. So this chapter is complete. You just sit in your home and try to do the exercise and write the hard word also. Yes. Thank you. Have a nice day.